the song was born in a washroom in a small place where I got this thought and everything and developed it later. It's a sad romantic song where the guy is describing about this girl who has left him and gone, and he has written his whole life on her, basically. That's behind the song. Actually, so meko Ajay ko main mila tha, I think one and a half almost 2 साल पहले, और हम लोग ने एक गाना किया था and somehow like वो गाना का अभी भी वो गाना हम लोग के बैंक में पड़ा हुआ है, तो वो गाना करते वक्त हम लोग मिले थे briefly और उसके बाद में 1 साल बिल्कुल ही नहीं मिले थे, और फिर उसके बाद में मेरे को एक दिन यूनिवर्सल से कॉल आया कि एक कंपोजर है अजय करके, उनके पास जाना है, and then I met him and then I realized कि हम लोग मिले हुए थे एक गाना करने के लिए पहले, और फिर जब भी मिले तो फिर उन्होंने मेरे को जो गाना था लिरिक्स अलग थे उसके थोड़े से वो कराया, फिर वो गाना मैंने सुना, मेरे को ऑब्वियसली बहुत ही मज़ा आया सुनने में, और फिर हम लोग ने एक ड्राफ्ट बनाया, फिर स्लोली यूनिवर्सल इन्वॉल्व हो गया, उन लोग ने गाना सुना, मोहित सर ने गाना सुना, उनको पसंद आया, फिर उन्होंने हम लोग को सजेशंस दिए कि किस तरीके से लिरिक्स किधर चेंज करना है, गाना किस तरीके से इमोट करना है, और बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से अभी जो गाना बाहर है वो जिस तरीके से आपको सुनाई दे रहा है वो बिल्कुल टीम एफर्ट के तरीके से by him, me, the lyrics writer, Mohit sir, entire team of Universal, सब लोग ने मिलके you know it's like our baby, so it's been really special. Lyrics को छोड़कर और भी कुछ changes हुए थे गाने में? Changes as far as गाना जो गाना तरीका, तो मैंने generally इसके पहले जितने भी गाने गाए वो सारे डांस नंबर्स रह चुके हैं. मैंने मुबारक के लिए गाना गाया था, हाफ गर्लफ्रेंड के लिए गाना गाया था, सब डांस नंबर्स. तो मैं जब ये गाना पहले दफ़ा जब मैंने ट्राई किया तो मैं फिर वो थोड़ा सा एक जो हम लोग को, मैं मुंबई में आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, तो थोड़ा सा एक वो वेस्टर्न सा लहजा था गाने के अंदर, फिर मेरे को लिटरली वो ठेठ बनाना पड़ा उसको, थोड़ा सा चेंज वोकली, थोड़ा उसको सो दैट इट साउंड्स मच मोर, वो जैसे अर्थी वॉइस होती है जिस तरीके की पंजाब से जिस तरीके की वॉइस आती हैं उस तरीके से थोड़ा उसको फील करके, थोड़ा यू नो रस्टिक अप्रोच लेके गाना पड़ा उसको, ताकि वो अपना म्यूज़िक वहाँ डाल सके, विच इज़ नॉट ओनली कनेक्टेड टू फिल्म. कहीं ना कहीं मैं 1 साल में या 1.5 साल में एक ही फिल्म कर सकता हूँ जिसमें 4-5 गाने आते हैं, बट विद दिस यू नो बहुत सारे वो गाने हैं जो मुझे लगता है डिज़र्व टू हैव दैट राइट प्लेटफॉर्म, एंड और ये नए आर्टिस्ट को एक पोजीशन मिलता है, एक ज़रिया मिलता है कि अपना टैलेंट ये अपनी इस दुनिया को दिखाए. सो आई थिंक आई एम रियली थैंकफुल टू बोथ देवराज एंड विनीत फॉर you know providing this platform to me called EMI Records India, जहाँ पर मैं नए टैलेंट को खोज सकूँ, चाहे वो सिंगर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो या लिरिक राइटर. अच्छा, किसी को अगर पार्टिसिपेट करना तो क्या प्रोसेस क्या होगी उसकी? वेल, प्रोसेस ऐसा कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस नहीं, बट द बेस्ट एंड ईजीएस्ट प्रोसेस इज़ कि आप EMI Records India के फेसबुक पेज पर जाए और आप वहाँ पर आपके गाने, आपके स्क्रैचेस वहाँ पर I mean, that page will direct you how you can really make your scratches, whether it's a thrown email or कैसे. और मैंने एक consolidated team बनाई है जो कहीं ना कहीं ये सब गाने screen करेंगे. हाँ, ये सच है कि काफ़ी कुछ लोग हैं जिनके गाने मुझे पसंद नहीं आएंगे, पर उतने but at the risk of that there is also there be so many people जिनके पास अच्छे गाने हों जो इस platform पे डाल सकते हैं. यश नरवेकर के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह कोलैबोरेशन था? यश के साथ बहुत एक अनयूजुअल सी मीटिंग हुई थी. मैं पहले उनको अमाल मलिक के साथ मिला था और वो उनको असिस्ट करते थे, और एक गाना था मेरी एक फिल्म में जिसका नाम था मेरे दिल में, जो ऋषि रिच ने बनाया था, और उस गाने को मेरे असिस्टेंट यश, दूसरा एक यश है, और ये यश ने जाके रात भर काम करके उन पर ये सेमी हिंदी, भोजपुरी, इंग्लिश लिरिक्स लिखे थे. क्योंकि ऋषि रिच कहीं ना कहीं वो भाषा जानता नहीं, वो वहाँ का था, तो उन्होंने एक क्वकी सा गाना बनाया था जिसका नाम था मेरे दिल में, और वहाँ पर मुझे याद है ऋषि रिच ने कहा था कि ये लड़का कौन है जिन्होंने गाया था, और एक स्क्रैच लेवल पे गाया था, वो भी ऑन नॉर्मल फ़ोन पे उनकी आवाज़ रिकॉर्ड की गई थी, नॉट इवन इन अ स्टूडियो. और ऋषि ने कहा था ये लड़का कौन है, ये उसकी वाइब, उसका गाना बहुत अच्छा है, एंड दैट्स व्हाई आई डिस्कवर्ड यश नार्वेकर, जो एक हिडन टैलेंट था, जिन्होंने एक्चुअली सिर्फ एक दोस्त की हेल्प करते हुए मैंने उसको डिस्कवर कर दिया, एंड नाउ टुडे ही इज संग सो मेनी सॉन्ग्स अंडर दिस EMI इनिशिएटिव. न्यू कमर्स का कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है ये देखा जाए तो. वेल, मैं ये चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म वो बने कि न्यू कमर्स को कहीं भी वो अपॉर्चुनिटी बने ताकि वो अपना टैलेंट ये दिखा सके. हालांकि मैं उन बड़े सब स्टार्स के साथ काम कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं वो सब सिंगर्स, वो म्यूज़िक डायरेक्टर्स, जब चाहे मिथुन हो, अरिजीत हो, अंकित हो, वो सब न्यू कमर्स थे जब मैंने शुरू किया था उनके साथ. सो आई होप दैट दिस टैलेंट ऑल्सो टेक्स देम टू बिकम द फ्यूचर ऑफ व्हाट वी फाइंड इन इंडियन म्यूजिक. हरिजीत और मोहित की बात किया आपने, इंस्टा का आपने वीडियो पोस्ट किया तो काफ़ी कमेंट्स आए थे और उन्होंने ये भी पूछा कि ये क्यों नहीं, क्योंकि वही एक्चुअली कहीं ना कहीं जब मैंने जब आशिकी 1 का म्यूज़िक कर रहा था, मुझे याद है यही ऐसे ही कमेंट्स आए थे आशिकी 2 का जब म्यूज़िक कर रहा था, कि जब अरिजीत को मैंने पूरा एल्बम दिया था क्योंकि मुझे एक आवाज़ चाहिए थी विच वॉज द वॉइस ऑफ आशिकी। काफ़ी लोग ने कहा था कि नदीम श्रवण क्यों यूज़ नहीं किया, क्यों, और कुमार सानू साहब को क्यों नहीं यूज़ किया। I think I'm not saying that tomorrow he is, Arijit is special and he's and I'm always will be working with him, but कहीं ना कहीं एक platform होना चाहिए। This initiative is about newcomers, so please understand के ये जो है is not about मैं मिथुन मेरा बहुत ही करीबी दोस्त है and I'm still working with him, but this initiative is about you newcomers to get a platform। अगर कोई उनको chance नहीं देगा, अगर कोई सिर्फ remix गाने बनाते रहेगा, new talent and new music will not find its way। New talent के बारे में जानना चाहूँगा, आपके हिसाब से कितना grow कर रहा है India new talent? India is one country where हमेशा वो underdog को support दिया गया and we are the underdogs today। The talent that as EMI Records also, हम कहीं ना कहीं वो stars के साथ काम नहीं कर रहे जो इनका खुद एक initial draw होता है। The idea is to make these people into future stars in India and then again discover new people. तो मुझे लगता है India is a very deserving country, not for anything else। अगर आप में वो talent है वो आपको ढूंढ लेती है, चाहे आप हमारे PM हो या फिर हमारे जैसे धोनी हो। We've all वो किसी they don't come from very affluent backgrounds, but कहीं ना कहीं उनमें वो talent था, वो जज्बा था, वो अदा थी, that's why they're leading the country today। तेरी यादों के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह का song लगा आपने, काफ़ी changes किए song में, ऐसा नहीं चेंजेस इस बात पे थी कि मुझे एक्चुअली ये सब न्यू कमर्स को एक्चुअली मैं सिर्फ इतना करता हूँ कि मैं उनको एक डायरेक्शन देता हूँ कि उनको कैसा वो गाना बनाना चाहिए। इन ये बच्चे वो लेवल पे भी नहीं है कि उनको हाई लेवल की प्रोडक्शन सर्विसेज मिले, उनके पास वो पैसे नहीं है, बजट्स नहीं होते। तो पहले तो मैंने यूनिवर्सल म्यूज़िक को कहा कि इनके लिए एक रिकॉर्डिंग रूम बनाया जाए इधर, ताकि उनको एटलीस्ट वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिले ताकि वो एक इंटरनेशनल लेवल पर गाने बना सकें। फिर उनको एक बहुत ही मेरे करीबी दोस्त और वो बहुत बड़ी हिंदी फिल्मों के एक प्रोड्यूसर है, प्रोग्रामर है, जिनका नाम है अभिजीत वघानी, हालांकि उन्होंने मिक्स टेप पूरी बनाई थी, उनको यूज़ किया, जिन्होंने ही वेंट आउट ऑफ हिज वे टू प्रोग्राम दिस सॉन्ग्स बिकॉज ही इज़ एन एक्सपीरियंस माइंड। वो इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम करता है, चाहे प्रीतम हो या एंड बिग स्टार्स, एंड ही नोज ही इज़ अ गुड सेंस ऑफ म्यूज़िक। उन्होंने ये गाना इसके लिए इनके लिए प्रोग्राम किया है ताकि ये गाना कोई भी लेवल पर एक हिंदी फिल्म गाने से कम ना लगे। बट कहीं ना कहीं उसमें मैंने वो सुर छोड़ा, वो एक सिंपल पियानो जो मेरा एक ट्रेडमार्क है, जो इमोशनली छू जाती है, वो मैंने उसको बरकरार रखा, वो ज़्यादा मैंने चेंज नहीं किया बिकॉज आई फेल्ट दैट वाज द एसेंस ऑफ द सॉन्ग। तेरी याद की बात करें, इंस्टा पे जब पोस्ट किए तो फिर काफ़ी रूमर्स आए कि ये मूवी भी बन रही इस नाम की, तो क्या नहीं, अक्सर लोग एक म्यूज़िकल प्रोजेक्ट को एक मूवी को एक ज़्यादा बड़ा पोजीशन देते हैं और एक गाने को नहीं। आई डोंट लुक एट इट डिफरेंटली। अगर आप देखिए तो मेरी करियर में आपको शायद मेरे को कुछ फिल्मों का नाम नहीं याद रहेगा, पर गाने ज़रूर याद रहेंगे। उस गाने मुझे लगता है कहीं ना कहीं इट लिव्स बियॉन्ड यू ऑल्सो। सो आई जेन्युइनली वांटेड टू गिव दिस सॉन्ग अ पोजीशन जैसे कोई फिल्म गाने से कम नहीं है, चाहे वो न्यू कमर्स के साथ हो या उनकी हो। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि एक बड़ी सी फिल्म आ रही है जो मैं बना रहा हूँ, बट नो, दिस वाज अ म्यूज़िकल प्रोजेक्ट कॉल्ड वायरल, एक प्रॉपर्टी जो हमने EMI Records इंडिया के साथ क्रिएट की है, जो हम वेरी सून हर प्लेटफॉर्म, हर म्यूज़िक प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करेंगे, रेडियो पे प्रोवाइड करेंगे, ताकि हर कोई न्यू कमर जिनके पास कोई बात हो वो इस प्लेटफॉर्म पे अपना गाना प्रेजेंट कर सकता है। अच्छा, ये गाना नेक्स्ट राउंड कब तक आने के चांसेस हैं? हर महीने हम ये गाने निकालेंगे। कितने महीने चलेंगे? ये 12 महीने, ये साल में 12 गाने निकालेंगे, विच विल बी ऑल सम ना कहीं न्यू कमर का इन्फ्लुएंस, कुछ एस्टैब्लिश लोगों का की मदद लेंगे, बट दैट इज़ ऑल्सो द एम्फेसिस टू मेक इट अबाउट द न्यू कमर टैलेंट इन द सॉन्ग। एंड टारगेट ये है कि ये साल में हम 12 करें, अगले साल 24, उसके बाद 36। वी आर होपिंग टू मेक सो मच सॉन्ग्स एंड प्रोवाइड न्यू म्यूजिक टू दिस इंडस्ट्री। अच्छा, एक विलन के सीक्वल्स मिलने की काफ़ी आशा जताई जा रही है। एक विलन फर्स्ट तो हिट गई थी, देखा तो काफ़ी सुपर ब्लॉकबस्टर गई थी, तो क्या है? वेल, मैं एक्चुअली एक राइटिंग स्टेज में हूँ, मैं फ़िलहाल इसके बारे में बात नहीं कर सकता, बट जैसे ही कोई इस पर अनाउंसमेंट आएगा मैं ज़रूर अनाउंस। आदित्य कपूर को भी शायद अभी फ़िलहाल मैंने कुछ लॉक नहीं किया है, मैं अभी भी फिल्म भी लिख रहा हूँ, अभी खुद मुझे डिसाइड करना मुझे नेक्स्ट पिक्चर क्या बनानी है। तो कोई प्रेशर है क्योंकि फर्स्ट पार्ट अच्छा गया है देखा जाए तो फिर ऑडियंस काफी पसंद की एक मिलियन का एक्चुअली सेकंड पार्ट लिखते हैं। हाँ वो तो हर फिल्म में प्रेशर होता है चाहे वो नया हो या नहीं हो पर मैंने मेरे ट्रैक रिकॉर्ड में वो सीक्वल्स काफ़ी चली है चाहे वो मर्डर 2 हो या आशिकी 2 हो तो आई थिंक हालांकि वो पहले वो सब फिल्में थी जो पहले पार्ट मैंने नहीं बनाया था मैंने सिर्फ सेकेंड पार्ट बनाया था एंड आई थिंक आई होप if I ever make Villain 2, it's also got the same buzz that Villain 1 got.